गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के शालीमार बाग स्थित रेगुलर स्टडी सेंटर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी एसपीडी का, जहां रविवार को एसपीडी ने बीते सेशन के पास आउट स्टूडेंट्स को फेयरवेल दिया और टॉपर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के डायरेक्टर प्रोफेसर पीवी के शशिधर और रीजनल सेंटर दिल्ली 2 की असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार। आज हमने जस्ट ऑर्गेनाइज एनुअल प्राइज सेरेमनी, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को एनकरेज करना। जो बच्चे एकेडमिकली या किसी और एक्टिविटी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए हम रिकॉग्निशन देते हैं। हमारा एज ए स्टडी सेंटर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्लासेस काउंसलिंग सेशंस करवाना, उनके एकेडमिक डिलीवरी करना, बट उसके बावजूद मैं सोचता हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन लर्नर है उस विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है एक सपोर्ट की, एनकरेजमेंट की, प्लेटफॉर्म की, जो हमारा इंस्टीट्यूट ये रेगुलर करता है, जिसमें हम कई तरह के कार्यक्रम उनसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आज हमने किया है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे विद्यार्थी दो हैं इस 32वें कॉन्वोकेशन इग्नू ने जो दीक्षांत समारोह ऑर्गेनाइज किया, उसमें इन विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उनको हमने आज सम्मान दिया है, उनको हमने स्कॉलरशिप दी। और इसी तरह से हमने वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया था, जिसमें हमारे विद्यार्थियों ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडिया से रिसाइकल मटेरियल तैयार किया, कुछ आइटम्स यूजफुल आइटम्स तैयार करी, हमने उनको भी प्रोत्साहन करके उनको भी रिकॉग्नाइज दिया है। एज ऑफ नाउ इन डिस्टेंस एजुकेशन यूजुअली स्टूडेंट्स दे कम ऑन सैटरडे एंड संडे फॉर काउंसलिंग सेशंस एंड देन दे लीव, बट दिस टाइप ऑफ मोर फेस टू फेस इंटरेक्शंस दे गिव फील दैट दे आर ए पार्ट ऑफ almost a regular, on par with regular university or regular college programs. This will help them to mingle up with the students and with other students, colleagues, and this will also help them in peer learning, because peer learning is also one important learning that should be focused by the students, and this type of activities help them to mix up with each other and help them in overall personality development. Thank you. सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। आज के दिन काउंसलर सर्विस स्टडी सेंटर्स और स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई होप दैट दे विल डेफिनेटली डू वंडरफुल इन देयर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। एज सर सेड, इग्नू इज ए मेगा यूनिवर्सिटी and I need not to say much about this, because sir has already shared a lot of information from us. Sir, thanks to you for sharing very valuable and updated information with us. There are many information which is really I don't know. Sir, share with us. SPD के साथ मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। पहला दिन जब मैं यहाँ आई थी, मुझे लगा था कि ग्रेजुएशन का क्लासेस मिलेगा, क्योंकि मेरा तब एमफिल ख़त्म हुआ था। तो पर सर ने एमए का क्लास दिया, इतना ट्रस्ट किया। ऑल माय स्टूडेंट्स दे लव मी, उनके साथ बैठ के बात करके बहुत मज़ा आता है। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है काजल की अचीवमेंट में ये मुझे नहीं पता, बट शी इज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। वॉट एवर आई टॉट इन क्लास, शी प्रॉब्ली वेंट होम एंड डिड हर होमवर्क, केम बैक वन ऑफ द ब्राइट student, rest of them are also bright, but she was very laborious, बहुत hard work करती थी, और she has achieved what you know, a gold medal, which I am very proud of her actually. शालीमार बाग के इस इग्नू स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स प्रति वर्ष एक नया इतिहास रचते हैं, और इस वर्ष भी यहाँ के दो स्टूडेंट्स को देश के
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। I've received this gold medal in the 32nd convocation of IGNOU. I was awarded this medal by Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji. As far as this achievement is concerned, what is your message to other students? My message is consistency, because I worked with a plan and I wanted to score 75%. I got that 75% exact, and I planned from the very beginning that I won this medal somehow, and I got it. I have joined IGNOU in post-graduation diploma in urban planning and development. I'm privileged, and I got a gold medal in this course. I'm happy for that, and I'm very thankful for the university and the study center here. They are offering the wonderful facilities and cooperation, motivational things, so that people get motivated and pursue to the higher education to the next levels. IGNOU का ये study center सप्ताह के सातों दिन कार्यरत रहता है। यहाँ के students अपनी सफलता का श्रेय सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुमित को देते हैं। अवार्ड मेरे को दिया गया था रिसाइकलिंग गुड्स के लिए, जो मैंने ओल्ड न्यूज़पेपर यूज कर बनाया है। ये हम स्टार्ट अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसे ही रिसाइकलिंग आल्सो बिगिंस एट होम। एंड सबको करना भी चाहिए, जैसे इतने ज़्यादा वेस्ट हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, डस्टबिन के लिए सब कुछ यूज़ करते हैं, इससे अच्छा हम वुडन डस्टबिन बना दें। इट्स रियली ग्रेट, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर स्कूल पर मिल जाती है, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जैसे जब गणपति आते हैं तो कितनी बात होती है कि रिसाइकल गणपति बनाए, मिट्टी से बनाए, इंस्ट्रूमेंट से बनाए। तो ऐसे ही मैंने इस बार सोचा कि मैं मंदिर क्यों ना रिसाइकल बनाऊं, तो मैंने एक मंदिर बनाया है जो सिर्फ न्यूज़पेपर से बना और मुंह से बना है। ये सिर्फ गणपति और इसके गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं जो सिर्फ बने हैं रियल, बाकी सब इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर और रूम यूज हो गया। तो ये बहुत अच्छा एक रिसाइकल्ड का एक उदाहरण है। थैंक यू। मैं अप्सरा बैट मैजिक की पेंसिल यूज करती हूँ, उसे उसके छिलकों से मुझे आइडिया आया, तो इसमें मैंने अप्सरा बैट मैजिक पेंसिल के छिलके यूज किए हैं। ये इसमें बेस्ट मटेरियल है, और इसमें तीनों बेस्ट मटेरियल, और इसे बनाना बहुत आसानी से 5 मिनट में रेडी हो जाता है। इसमें पुराने ग्रीटिंग कार्ड है, रिबन है और आइसक्रीम स्टिक है। हाँ जी, टूट गया, ये हैंड फैन बनाया मैंने। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस वाज नॉट, दिस मेडल इज एक्चुअली नॉट एन ओवरनाइट आउटकम, इट वाज ऑलवेज प्लान्ड एंड आई वर्क अकॉर्डिंगली। ऑल्सो द रेगुलर क्लासेस दैट आर हेल्ड एट एसपीडी दैट हेल्प मी। IGNOU का ये स्टडी सेंटर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ठीक अपने नाम के अनुरूप अपने स्टूडेंट्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, ये अपने टॉपर्स को स्कॉलरशिप भी देता है। यही वजह है कि इस बार इस सेंटर से गोल्ड मेडलिस्ट रहे दोनों स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप दी गई। अंशुल गुप्ता के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।